good morning students welcome to online class i hope that all of you find at your home as you know we are doing revision of unit 1 we have done with worksheet 1 to 4 today we will discuss about worksheet 4 we will start from first question name the three periods into which uh, six डिजिट नंबर इज़ ग्रुप बेटा आपने बताना है कि थ्री पीरियड्स कौन से हैं जिनमें सिक्स डिजिट नंबर ग्रुप्ड होते हैं बेटा वो पीरियड्स हैं वंस थाउजेंड्स एंड लैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थ्री प्लेसेस इन टू विच सिक्स डिजिट नंबर इज ग्रुप्ड बेटा आप प्लेसेस बताने हैं पहले हमने पीरियड्स बताए हैं अब हम प्लेसेस बताएंगे बेटा वो प्लेसेस क्या हैं जैसे वंस हमारा पीरियड है तो वंस के अंदर थ्री प्लेसेस हैं वंस टेंस हंड्रेड ऐसे ही बेटा थाउजेंड हमारा पीरियड है उसके अंदर प्लेसेस हैं थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसे ही बेटा लैक है लैक के अंदर हमारे प्लेसेस हैं लैक नेक्स्ट क्वेश्चन इज री राइट द फॉलोइंग नूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स बेटा हमने इस नूमरल्स को दोबारा राइट करना है री राइट का मतलब होता है दोबारा राइट करना है और कैसे राइट करना है इनके अंदर कोमास को इंसर्ट करके लिखना है तो बेटा कोमास को इंसर्ट करके हम कैसे लिखेंगे पहले मैं ये यही नूम्रल्स लिख देती हूँ देखो काउंट करो कि फ़ोर कितने टाइम है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम है तो आई विल राइट हेयर सिक्स टाइम फोर फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स टाइम फोर लिख दिया मैंने बेटा अब इसको हमने कोमास बिटवीन पीरियड कोमास लगाने है. तो मैंने बताया ना था ना कि जो वंस है वंस के कितने ग्रुप्स हैं थ्री तो यहाँ कोमा आएगा फिर आगे जो थाउजेंड पीरियड है उसका कितने ग्रुप है टू तो यहाँ पर यहाँ कोमा आ जाएगा सेम एज़ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पहले नुमल्स राइट करती हूँ मैं नुमरल है मेरा फाइव ज़ीरो फाइव फिर ज़ीरो एंड देन वन अब बेटा कैसे लिखेंगे यहाँ कोमास यहाँ को मैं लगाऊंगी वन स्टेंस हंड्रेड यहाँ कोमा फिर थाउजेंड को टू ग्रुप्स में है तो यहाँ कोमा इस तरह से बेटा मैं कॉमास को इंसर्ट कर दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन राइट द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द एंडसर्कल डिजिट इन ईच नुमरल हाँ जी बेटा ये मेरा नुमल है सेवन लैक एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी टू इसमें बेटा मेरा ये फोर है फोर पर सर्कल है इसका पीरियड बताना है तो देखो मैं मैंने बताया ना आपको वंस टेंस हंड्रेड ऊपर बताया देखो पीरियड बताया ना कि पहला पीरियड वंस होता है उसमें क्या कितने मेंबर्स होते हैं थ्री वंस टेंस और हंड्रेड इट मीन्स कि ये कहाँ पे है वंस टेंस हंड्रड पर है तो ये हंड्रेड वाला जो प्लेस है ये किस पीरियड के अंदर आता है ये आता है वंस पीरियड के अंदर किस पीरियड के अंदर आता है बेटा वंस पीरियड के अंदर अब प्लेस बताना है तो अभी हमने ऊपर किया तो कि वंस टेंस हंड्रेड थ्री प्लेसेस होते हैं तो ये कौन सा प्लेस है कौन सी पोजीशन है हंड्रेड पोजीशन है तो वो ये विल राइट हेयर हंड्रेड ठीक है ऐसे ही बेटा आपने प्लेस वैल्यू बतानी है तो ये फोर कहाँ है फोर हंड्रेड पर है तो हमारी प्लेस वैल्यू होगी फोर हंड्रेड बेटा इसी तरह आपने रेस्ट ऑफ दी सम्स करने हैं इस क्वेश्चन के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नोमल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स अब बेटा हमें नंबर नेम दे रखा है हमने नोम्र्स लिखने और कॉमास लगाने हैं देखो कैसे है पढ़ो पहले एट लैक वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन हमारा नंबर नेम है एट लाख एट लैख वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा लैक तक है तो वंस से स्टार्ट करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक ठीक है अब देखो यहाँ क्या है एट लैख तो एट लैख है तो लैख वाली फैमिली के अंदर एट आएगा वन थाउजेंड थाउजेंड में सिर्फ वन ही थाउजेंड है टेन थाउजेंड पर कुछ नहीं है तो जीरो थ्री हंड्रेड वन तो हंड्रेड की फैमिली में थ्री है आगे थ्री हंड्रेड वन बोला है इट मीन कि वंस की फैमिली में वन है टेंस की फैमिली में कोई नंबर नहीं है तो इस तरह से हम इस नोबरल को राइट करेंगे अब इसमें बेटा कोमास भी यूज करनी है तो आपको पता ही है कि वंस टेंस हंड्रेड एक कोमा यहां और एक थाउजेंड टेन थाउजेंड को छोड़कर एक कोमा यहां इंसर्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन लैक नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन बेटा ये भी लैख तक क्या है तो स्टार्ट करो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लैक लैख पर कौन है नाइन तो नाइन यहाँ लिखूंगी मैं नाइनटीन थाउजेंड इट मीन्स थाउजेंड में वन नाइन नाइनटीन दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसकी फैमिली में तो दो ही मेम्बर आ गए हैं आगे है नाइनटीन नाइनटीन कैसे बनेगा वन नाइन नाइनटीन क्योंकि हंड्रेड की फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं अब कॉमास कैसे लगाओगे एक कोमा यहाँ और एक कोमा यहाँ योर लास्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नोमरल्स अब हमें नोमरल्स दे रखे हैं और नंबर नेम लिखने हैं बस ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा है ऊपर हमें नंबर नेम दिए होते हैं नोमरल्स लिखने हैं कैसे लिखोगे ये वास्ट टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक तो लैक की फैमिली में सेवन है तो वो विल राइट हेयर सेवन लैक ओके नेक्स्ट क्या है आगे थाउजेंड की फैमिली में भी सेवन ही है तो सेवन थाउजेंट ओके फिर चलो मेरे साथ साथ करो सेवन थाउजेंड आगे क्या है हंड्रेड की फैमिली में सेवन हंड्रेड सेवन तो वो विल राइट हेयर यहाँ लिख लेते हैं हम चलो सेवन हंड्रेड सेवन ओके इजी है ना लास्ट पार्ट इज अब देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड अब यहाँ लैक नहीं है सिर्फ टेन थाउजेंड तक है और थाउजेंड की फैमिली में दो हैं फोर जीरो फोर ज़ीरो क्या होता है पता है सभी को फोर जीरो फोर्टी 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 कहाँ पर है थाउजेंड की फैमिली में है तो फोर्टी थाउजेंड आगे देखो बेटा यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है हंड्रेड पर भी जीरो है टेंस पर भी जीरो है सिर्फ वंस पर फोर है तो ये क्या बन जाएगा फोर्टी थाउजेंड फोर ओके बेटा ये वीडियो आपकी रिवीजन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी वर्कशीट फाइव की थैंक्स बेटा